जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, ओडिया सुख संसार चैनल को आपण समस्तंको बहुत बहुत स्वागत। वृष राशि सेप्टेम्बर 2022 टी आपणकर किपरि रहिबो, नवग्रह कौन फल प्रदान करिबे आपणको एही सेप्टेम्बर मासरे। देखंतु सेप्टेम्बर मासरे दुईटी ग्रह राशि परिवर्तन करुछंती। 17 सेप्टेम्बर को सूर्यदेव जीवे कन्या राशि को एवं 24 सेप्टेम्बर को शुक्रदेव जीवे कन्या राशि को। दुईटी ग्रह कन्या राशि गोचर करेंगे तो आपण ग्रह स्थिति किपर रंद्रगणना आधारित। आपण लग्न विराजमान है मंगलदेव, चतुर्थ घरे रे सूर्य शुक्रदेव जोटा कि शुक्रदेव आपण राशि आराध्यपति, पंचम घरे रे बुध, एगारतम घरे रे गुरुदेव, दशम घरे रे शनिदेव जी कि आपण भाग्यर मालिक, एवं बारतम घरे रे राहु। आपणकर कैरियर, आर्थिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन, परिवार, शिक्षा, लव लाइफ सब किपर रे गोटे गोटे कर जानवा। देखो सर्वप्रथम आम जाना आपण कैरियर विषय। देख कैरियर कथा कह भाग्यर मालिक आपणकर शनिदेव एवं राशि आराध्यपति होती शुक्रदेव। तो देखो भाग्यर मालिक निज घरे ही अच्छा, निज घरे रही किंतु बकरी अवस्था रही, शनिदेव वर्तमान तो बकरी अवस्था रही। इस समय जहाँ भी करने को चाहती किसी भल कम कि टा पैसा इनभेस्टमेंट करवा तो लाभ निश्चित भाव में पाइबे। जो मैंने टेक्निकल लाइन अच्छा, कंप्यूटर लाइन अच्छा, ऑनलाइन जॉब कर चमड़ा बिजनेस कर लुहा व्यापार कर किंबा लुहा गेट जो निर्माण काम यू क्षेत्र जो मैंने अच्छा से माने बहुत लाभ देखा पाइबे। इस समय तर रोजगार बहुत बढ़िबो एवं कस्टमर आसबे। देख 17 सेप्टेम्बर पर निजर कैरियर रे बड़ परिवर्तन आपण देखा पाइबे, कारण 17 सेप्टेम्बर में सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर। सूर्यदेव राशि परिवर्तन परे निज कैरियर में बड़ चेंजेस आपण देखा पाइबे, किसी नुआ एवं गोटे भल मार्गदर्शन आपण पाइबे कहा माध्यम होना कहीं किसी गोटे जोटा कि आपणकर कि आपण कैरियर आहुरी आगे बढ़ो सेम किसी भल मार्गदर्शन आपण पाइबे। एवं यही समय रे यही सेप्टेम्बर मासरे घर को किसी महंगा जिनस आपण किणवे। ये समय जहाँ भी करेंगे जेकोसी भी कम भी किसी भी जहाँ करेंगे यहाँ घर को किणवा दरकार कि न किणवा दरकार, यह कम करवा कि नक जोटा कि गोटे बड़ डिसीजन जोटा कही था। तो एमती किसी जो करने को चाहिए तो प्रथम निज पार्टनर को पचार निहाती जरूरी, कारण तमाम आपणकर सेप्टेम्बर मसने भाग्योदय होबार फुल संभावना रही। आपण स्वास्थ्य विषय जानवा। देखो स्वास्थ्य आपणकर भल रग्न मंगल रही किंतु छोट छोट कथार राग आपण देखादपे उग्रता बढ़िपे विरक्तिपन बढ़िपे किंतु स्वास्थ्य जनित समस्या किसी देखा ना जोड़ा कि राग बढ़ आपण मानसिक चिंता चिंता मानने कौन टेनसन हटात आपण को पूरा हटात किसी गोटे कथ पूरा जोर से आपण को राग बढ़ एमती कहीं मत कहले एमती टाइप आपको देखादे पारे। विद्यार्थी मान क्या कह देख पंचम घर मालिक निज घरे ही रही, पंचम घर मालिक हूँ बुधदेव, बुधदेव पुणी निज घरे ही रही मस जाक तो पढ़ा को नहीं गुड़े मनरे एकग्रता बढ़िबो, पढ़ारे भल रखिबे मार्का। एवं जो मैंने भल जगार एडमिशन नेबा को चाहूँगी तो यही सेप्टेम्बर मासटा बहुत बढ़िया रहा विद्यार्थी मानक विद्यालय बहुत आगे, एवं जो मैंने शिक्षा क्षेत्र अच्छा सेप्टेम्बर मासटी बहुत बढ़िया रव लाइफ विषय जानवा। देखो पंचम घर ही विचार कर प्रेम विषय तो बुध रहा बहुत बढ़िया रही, आप बहुत ही रोमांटिक रही किंतु छोट छोट कथा दुजन भितर राग और रोसा देखादेप जमी मुझे कहली, कारण सेप्टेम्बर मस सारा मंगलदेव आपण लग्न रही सबकि ठीक ठाक चलने कि गोटे हठात आपण को राग देखादपे तो लव लाइफ भी से समस्या देखादपे कि 17 सेप्टेम्बर पर दुजन भितर दूरता देखादपे। तो 17 सेप्टेम्बर पर जी निज लव लाइफ को संभाली पर्यटन तो बहुत भल कथा, कारण दूरता देखादपे
କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗ ରୁଷା ମଧ୍ୟ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଘର ହିଁ ବିଚାର କରାଯାଏ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ତ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ପାଇବେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କ୍ୟାରିୟର ମାମଲାରେ ଯାହା ବି କିଛି କରିବେ ତ ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ପଚାରିକି କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବି କାମରେ ନିଜର ଦାମ୍ପତ୍ୟଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ପାଇବେ। ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇଯିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଇକିନା ଯଦି ଅଲଗା ରହିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ସମସ୍ୟାଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂରେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଲଗ୍ନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକ ଶୁକ୍ରଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଦେବ, ତେଣୁ ରାଗ ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ଏମିତି ବି ବୃଷ ରାଶି ବୋଲି ଟିକେ ଅଧିକ ଜିଦି ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ରାଗ ଆସିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ରାଗିଗଲେ ବହୁତ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ରହିଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହିଁ ଜଣା ହେଇଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଦାମ୍ପତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ରହିବ, ନିଜ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଟିକେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ନେଚର୍ଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରିସ୍ତାଟା ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ତ କ'ଣ କରିବେ ବୃଷ ରାଶି ବୋଲିକି, ସବୁକିଛି ଭଲରେ ରହୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହଉ। ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଲେଖା ଜପ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ସୋମବାର ହେଲେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ।